आप सुन रहे हैं उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस, तहरीर डिप्टी नज़ीर अहमद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। बाब पहला, तमहीद के तौर पर औरतों के लिखने पढ़ने की ज़रूरत और उनकी हालत के मुनासिब कुछ नसीहतें। जो आदमी दुनिया के हालात में कभी गौर नहीं करता उससे ज़्यादा कोई अहमक नहीं। गौर करने के वास्ते दुनिया में हज़ारों तरह की बातें हैं, लेकिन सबसे उम्दा और ज़रूरी आदमी का अपना हाल है कि जिस रोज़ से आदमी पैदा होता है ज़िंदगी में उसको क्या क्या बातें पेश आतीं और क्यों कर उसकी हालत बदला करती है। इंसान की ज़िंदगी में सबसे अच्छा वक्त लड़कपन का है। इस उम्र में आदमी को किसी तरह का फ़िक्र नहीं होता। माँ बाप नहायत शफ़क़त और मोहब्बत से उसको पालते और जहाँ तक बस चलता उसको आराम देते हैं। औलाद के अच्छा खाने और अच्छा पहनने से माँ बाप को खुशी होती है, बल्कि माँ बाप औलाद के आराम के वास्ते अपने ऊपर तकलीफ़ और रंज तक गवारा कर लेते हैं। मर्द जो बाप होते हैं, कोई मेहनत मजदूरी से कमाते हैं, कोई पेशा करते, कोई सौदागरी, कोई नौकरी। गर्ज जिस तरह बन पड़ता है औलाद की आसाइश के वास्ते रुपए के पैदा करने में कोताही नहीं करते। औरतें जो माँ होती हैं, अगर बाप की कमाई घर के खर्च को काफ़ी नहीं होती, बाज़ औक़ात ख़ुद भी मेहनत किया करती हैं। कोई माँ सिलाई का काम सीती है, कोई गोटा बुनती, कोई टोपियाँ काटती, यहाँ तक कि कोई मुसीबत की मारी माँ चरखा काट कर चक्की पीस कर मामा गिरी करके बच्चों को पालती है। औलाद की मोहब्बत जो माँ को होती है हरगिज़ बनावट और ज़ाहिरदारी की नहीं होती, बल्कि सच्ची और दिली मोहब्बत है। और खुदाए ताला ने जो बड़ा दाना है ये ममता इसलिए माँ बाप के पीछे लगा दी है कि औलाद परवरिश पाए। इब्तदाई उम्र में बच्चे नहायत बेबस होते हैं, ना बोलते, ना समझते, ना चलते, ना फिरते। अगर माँ बाप मोहब्बत से औलाद को ना पालते तो बच्चे भूखों मर जाते। कहाँ से उनको रोटी मिलती, किस तरह कपड़ा बहम पहुँचाते और क्यों कर बड़े होते। आदमी पर क्या मौकूफ़ है, जानवरों में भी औलाद की ममता बहुत सख्त है। मुर्गी बच्चों को दिन भर परों में छुपाए बैठी रहती है और अनाज का एक दाना भी उसको मिलता है तो आप नहीं खाती, बच्चों को बुलाकर चोंच से उनके आगे सरका देती है। और अगर चील या बिल्ली उसके बच्चों पर हमला करना चाहे तो मतलब अपनी जान का ख्याल ना करके लड़ने और मरने को मौजूद हो जाती है। गर्ज हो ना हो, ये ख़ास मोहब्बत माँ बाप को सिर्फ इसीलिए खुदा ने दी है कि नन्हे नन्हे बच्चों को जो ज़रूरत हो अटकी ना रहे। भूख के वक्त खाना और प्यास के वक्त पानी, सर्दी से बचने को गर्म कपड़ा और हर तरह की आराम की चीज़ वक्त मुनासिब पर मिल जाए। देखने से एक बात ये भी मालूम होती है कि ये फड़क उसी वक्त तक रहती है जब तक बच्चों को इसकी ज़रूरत और एहतियाज होती है। जब मुर्गी के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उनको परों में छुपाना छोड़ देती है, और जब बच्चे चल फिर कर अपना पेट भरने के काबिल हो जाते हैं तो मुर्गी कुछ भी उनकी मदद नहीं करती, बल्कि जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको इस तरह मारने दौड़ती है गोया वो उनकी माँ नहीं। आदमी के माँ बाप का भी यही हाल है कि जब तक बच्चा बहुत छोटा होता है माँ दूध पिलाती है, उसको गोद में लादे लादे फिरती है, अपनी नींद ख़राब करके बच्चे को थपक थपक कर सुलाती है। जब बच्चा इतना सियाना हुआ कि खिचड़ी खाने लगा माँ दूध बिल्कुल छुड़ा देती है, और वही दूध जिसको बरसों प्यार से पिलाती रही सख्ती और बेरहमी से नहीं पीने देती, कड़वी चीज़ें लगा लेती है और बच्चा ज़िद करता है तो मारती है। चंद रोज़ के बाद बच्चों का ये हाल हो जाता है कि गोद में लेना तक नागवार होता है। क्या तुमने अपने छोटे भाई बहन को इस बात पर मार खाते नहीं देखा कि माँ की गोद से नहीं उतरते। माँ खफा हो रही है कि कैसा ना हमवार बच्चा है, एकदम नहीं छोड़ता। इन बातों से ये मत समझो कि माँ को मोहब्बत नहीं रही। नहीं नहीं, मोहब्बत तो वैसी ही है, मगर हर हालत के साथ एक ख़ास तरह की मोहब्बत होती है।
औलाद का हाल यकसा नहीं रहता। आज दूध पीते हैं, कल खाने लगे, फिर पाँव चलना सीखा। बच्चा जितना बड़ा होता गया उसी कदर मोहब्बत का रंग बदलता गया। और ज़्यादा बड़े होकर लड़के और लड़कियाँ पढ़ने और लिखने और काम करने के वास्ते मारें खाते हैं। अगरचे बेवकूफ़ी से बच्चे ना समझे, मगर माँ बाप के हाथों से जो तकलीफ़ भी तुमको पहुँचे वो ज़रूर तुम्हारे अपने फ़ायदे के वास्ते है। तुमको दुनिया में माँ बाप से अलग रहकर बहुत दिनों जीना पड़ेगा। किसी के माँ बाप तमाम उम्र ज़िंदा नहीं रहते। खुश नसीब हैं वो लड़के और लड़कियाँ जिन्होंने माँ बाप के जीते जी ऐसा हुनर और ऐसा अदब सीखा जिससे उनकी तमाम ज़िंदगी खुशी और आराम में गुजरी। और नहायत बदकिस्मत है वो औलाद जिन्होंने माँ बाप की ज़िंदगी की कदर ना की और जो आराम माँ बाप की वजह से उनको मैसर हुआ उसको अकारत और ऐसे अच्छे फरागत और बेफिक्री के वक्त को सुस्ती और खेल कूद में ज़ाया किया। उम्र भर रंजो मुसीबत में काटी, आप अजाब में रहे और माँ बाप को अपने सबब अजाब में रखा। बरने पर कुछ मौकूफ नहीं, शादी ब्याह हुए पीछे औलाद माँ बाप से जीते जी छूट जाती है। लड़कों और लड़कियों को ज़रूर सोचना चाहिए कि माँ बाप से अलग हुए पीछे उनकी ज़िंदगी क्यों कर गुजरेगी। दुनिया में बहुत भारी बोझ मर्दों के सर पर है। खाना, कपड़ा और रोज़मर्रा के खर्च की सब चीज़ें रुपए से हासिल होती हैं और सारा खड़ाग रुपए का है। औरतों को बड़ी खुशी की बात है कि अक्सर रुपया पैदा करने की मेहनत से महफूज रहती हैं। मर्दों को देखो, रुपए के लिए कैसी कैसी सख्त मेहनतें करते हैं। कोई भारी बोझ सर पर उठाता है, कोई लकड़ियाँ चीरता, सुनार, लोहार, सलमा सितारे वाला, मीना साज, कलेगर, आईना साज, नगीना साज, कामदानी वाला, बढ़ई, खरादी, नारियल वाला, कंघी साज, कागजी, जुलाहा, रफूगर, रंगरेज, दस्तारबंद, दर्जी, इलाका बंद, मोची, संगतराश, हलवाई, रंगसाज वगैरह जितने पेशे वाले हैं किसी का काम जिस्मानी और दिमागी तकलीफ़ से खाली नहीं। और रुपए की खातिर ये तमाम तकलीफ़ें मर्दों को सहनी और उठानी पड़ती है। लेकिन इस बात से ये नहीं समझना चाहिए कि औरतों से खाने और सो रहने के सिवा दुनिया का कोई काम मुतालिक नहीं, बल्कि खानादारी के तमाम काम औरतें ही करती हैं। मर्द अपनी कमाई औरतों के आगे लाकर रख देते हैं और औरतें अपनी अकल से उसको बंदोबस्त और सलीके के साथ उठाती हैं। बस अगर गौर से देखो तो दुनिया की गाड़ी जब तक एक पहिया मर्द का और दूसरा औरत का ना हो चल नहीं सकती। मर्दों को रुपया कमाने से इतना वक्त नहीं बचता कि उसको घर के कामों में सर्फ करें। ए लड़को, वो बात सीखो कि मर्द होकर तुम्हारे काम आए। और ए लड़कियों, ऐसा हुनर हासिल करो कि औरत होने पर तुमको उससे खुशी और फ़ायदा हो। बेशक औरत को खुदा ने मर्द की निस्बत किसी कदर कमज़ोर पैदा किया है, लेकिन हाथ, पांव, कान, आँख, याददाश्त, सोच, समझ सब चीज़ें मर्दों के बराबर औरतों को दी गई हैं। लड़के इन्हीं चीज़ों से काम लेकर हर फन में ताक और हर हुनर में मशाक हो जाते हैं। लड़कियां अपना वक्त गुड़ियां खेलने और कहानियां सुनने में खोती हैं, वैसे ही बेहुनर रहती हैं। और जिन औरतों ने वक्त की कदर पहचानी और उसको काम की बातों में लगाया, हुनर सीखा, लियाकत हासिल की, वो मर्दों से किसी बात में हेटी नहीं रहीं। मलका विक्टोरिया को देखो, औरत ज़ात होकर किस धूम और किस शान और किस नामवरी और किस उम्दगी के साथ इतने बड़े मुल्क का इंतज़ाम कर रही हैं कि दुनिया में किसी बादशाह को आज तक ये बात नसीब नहीं। जब एक औरत ने सल्तनत जैसे कठिन काम को, सल्तनत भी माशाल्लाह इस कदर वसी ऐसे नाजुक वक्त के बाद मुँह से निकली और अखबार वालों ने बतंगड़ बनाया, इतनी मुद्दत दराज तक संभाला और ऐसा संभाला कि जो संभालने का हक है, तो अब औरतों की खुदादाद काबिलियत में कलाम करना मेरी हठ धर्मी है। बाज़ नादान औरतें ख्याल करती हैं कि क्या लिख पढ़कर हमको मर्दों की तरह नौकरी करनी है। लेकिन अगर किसी औरत ने लिख पढ़ लिया है तो उसने नौकरी नहीं की, मगर उसका लिखना पढ़ना अकारत भी नहीं गया। उसको और बथेरे फ़ायदे पहुँचे जिनके मुकाबले में नौकरी की कुछ भी हकीकत नहीं।
जो लोग इल्म को सिर्फ नौकरी का वसीला समझकर पढ़ते हैं उनको इल्म की कदर नहीं। सच पूछो तो इल्म के आगे नौकरी ऐसी है जैसे सौदे के साथ रुखन, जहाँ से कुव्वते बयान लाएं कि तुमको इल्म के फ़ायदे समझाएं। ज़ाहिर की दो आँखें तो हमारे तुम्हारे सब के मुँह पर हैं, कभी अंधे फ़कीरों की सदा सुनो, किस हसरत से कहते हैं बाबा अखियाँ बड़ी नेमत हैं। शायद कोई भी ऐसा संग दिल ना होगा जिसको अंधों की माजूरी और बेकसी पर रहम ना आता हो, लेकिन दिल के अंधे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता उनसे कहीं ज़्यादा काबिल रहम हैं। अंग्रेज़ों की विलायत में तो अंधों की तालीम का ऐसा उम्दा इंतज़ाम है कि अंधे टटोल टटोल कर अच्छी खासी तरह अखबार और किताबें सब कुछ बेतकल्लुफ़ पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ के अंधे भी बाज़ ऐसे बला के जहीन होते हैं कि सुई परोएं सीएं अकेले सारे शहर के गली कूचों में बेधड़क दौड़े दौड़े फिरें, खोटा खरा रुपया परखें, कुरान पाक का हिफ्स कर लेना तो अंधे के लिए गोया एक मामूली बात है, गर्ज आँखों का अंधा होना मुसीबत है, मगर ना ऐसी के जैसे दिल का अंधा यानी जाहिल होना। लेकिन अफसोस कोरी दिल के नुकसानात से लोग वाकिफ़ नहीं, और यही वजह है कि आलिम व फाजिल होना तो दरकिनार हज़ार, पीछे एक भी पढ़ा लिखा नज़र नहीं आता। ये तो मर्दों का मस्कूर है जिनको पढ़ लिख कर रोटी कमानी है। औरतों में पढ़ने लिखने का चर्चा इस कदर कम है कि दिल्ली जैसे शहर में अगर मुश्किल से 100-125 औरतें, वो भी शायद हुर्फ शनास निकलें भी, तो इसको चर्चा नहीं कह सकते। फिर अगर चर्चा ना हो तो खैर चंदा मज़ायक़े की बात नहीं। मुसीबत तो ये है कि अक्सर औरतों के लिखाने पढ़ाने को ऐब और गुनाह ख्याल करते हैं। उनको ख़दशा ये है कि ऐसा ना हो लिखने पढ़ने से औरतों की चार आँखें हो जाने लगें, गैर मर्दों से ख़तो किताबत करने और ख़ुदा नख्वास्ता कल कलां को उनकी पाक दामनी और पर्दादारी में किसी तरह का फतूर वाक़े हो। ये सिर्फ शैतानी वसवसे हैं और मुल्क की खसूसन औरतों की बदकिस्मती लोगों को बहका और भड़का रही है। अव्वल तो हम एक ज़री सी बात यही पूछते हैं कि इल्म इंसान की इस्लाह करता है या उल्टा उसको बिगाड़ता और ख़राबी के लक्षण सिखाता है। अगर बिगाड़ता है तो मर्दों को भी पढ़ने लिखने की मनाही होनी चाहिए ताकि बिगड़ने ना पाएँ, और मर्द बिगड़ेंगे तो कभी कभी उनका बिगाड़ औरतों में असर करेगा, पर करेगा। दूसरे इंसाफ शर्त है। बेशक बाज़ पढ़े लिखे मर्द भी आवारा बदवज़ा होते हैं, लेकिन क्या इल्म ने उनको आवारगी और बदवज़ाई सिखाई? नहीं नहीं, आवारगी और बदवज़ाई उन्होंने बुरी सोबत में सीखी, या खुजली और कोड़ की तरह उनको उड़कर लगी। और पढ़ लिखकर उनकी बुराई मसलन छटांग भर है तो ना पढ़ने की सूरत में यकीन जानो ज़रूर शेर सवा शेर होती। मसलन 100 पढ़े लिखों पर नज़र डालो तो कोई इक्का दुक्का शामत ज़दा ख़राब हो तो हो, वरना खुदा ने चाहा तो अक्सर नेक भले मानस माँ बाप का अदब करने वाले, भाई बहनों से मोहब्बत रखने वाले, बड़े को बड़े और छोटे की जगह समझने वाले, दंगे फसाद और बुरी सोबत से दूर भागने वाले, रोज़े रखने वाले, सच बोलने वाले, गरीबों पर तरस खाने वाले, गुस्से के पी जाने वाले, बुज़ुर्गों की नसीहत पर चलने वाले, लिहाज शर्म वाले, जैसा खाना कपड़ा मैसर आया शुक्रगुजारी के साथ खाने पहनने वाले मिलेंगे। हमारी भी सारी उम्र ऐसे ही लोगों में गुजरी है। हम तुमसे सच कहते हैं कि जो शख्स इल्म को बदनाम करता है आसमान पर थूकता और चाँद पर खाक डालता है। बेशक बाज़ बुरे लोगों ने बुरी किताबें भी दुनिया में फैला दी हैं। उर्दू में इस किस्म की किताबें बहुत कम हैं और जो हैं सिलसिला दर्स से खारिज हैं, और उनका पढ़ना और सुनना क्या मर्द क्या औरत सभी के हक में ज़बू है। लेकिन इस ख्याल से कि आँख बुरी जगह भी पड़ सकती है या ज़ुबान से बाज़ नालायक कोसते, झूठ बोलते, गालियाँ बकते, बिला ज़रूरत कसम खाते या लोगों के पीठ पीछे उनकी बद्दियाँ रोते हैं जिसको गीबत कहते हैं, ना आँखें फोड़ी जाती हैं ना ज़ुबान काटी जाती है, तो सिर्फ इल्म ने क्या कसूर किया है कि एक लग्व और बेअसल एहतमाल की बुनियाद पर औरतों को उसके बे इंतहा दीनी और दुनियावी फ़ायदों से महरूम रखा जाए? क्या इतना नहीं हो सकता कि बेहुदा किताबों को मस्तूरात की नज़र से ना गुज़रने दें?
अलावा बरी आदमी के दिल को खुदा ने बनाया है आज़ाद। जब इंसान को किसी काम पर मजबूर किया जाए तो वो चारों नाचार उस काम को करता है, तो मगर ना उस उम्दगी और खूबी के साथ जैसा कि खुद अपने दिल के तकाजे से, कहाँ तो दूसरों की ज़बरदस्ती और कहाँ अपना शौक। मसलन लड़के बास तो वो हैं जिनको खुद पढ़ने का मुतलक शौक नहीं, इस वास्ते के नादान हैं, बेसमझ हैं, इतना नहीं जानते कि आज को जी लगाकर पढ़ लिख लेंगे तो बड़े हुए पीछे हमारे ही काम आएगा, दुनिया में हमारी इज्जत व आबरू होगी। इन्हीं दो हरफों की बदौलत खुदा हमको अमीर कर देगा, लोग हमारी वक़्त और ताज़ीम करेंगे, दीन और दुनिया दोनों में हमारा भला होगा। तो ऐसे बद शौक लड़के कभी खुशी से मदरसे नहीं जाते, घर वालों ने ज़बरदस्ती धकेल दिया या मकतब के लड़के आए और टांग कर ले गए, ज़बरदस्ती गए, बेदिली से बैठे रहे, छुट्टी मिली, ना कुछ पढ़ा ना लिखा, कोरे वापस आए। दूसरी किस्म के लड़के वो हैं जिनकी किस्मत में खुदा ने कुछ बेहतरी लिखी है, वो आपसे बेकहे, बे भेजे, बे बुलाए वक्त से पहले मदरसे को दौड़े चले जाते हैं, जाते ही आमुख्ता पढ़ा। अब हम पूछते हैं कि इन दोनों किस्म के लड़कों में किससे उम्मीद की जा सकती है कि लिख पढ़कर इम्तहान पास करेगा, घर बैठे उसको नौकरी के लिए बुलावे आएंगे। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बेशक जिसको शौक है उसी को फौक है। इसी तरह हमारी औरतों में हया, पाक दामनी, पर्दादारी, नेकी, जो कुछ समझो खुदा के फजल करम से बेहतर ही है, मगर बुरा मानो या भला मानो अभी तक है मजबूरी की, यानी मजहब और मुल्की रिवाज और मर्दों की हुकूमत ने औरतों को ज़बरदस्ती नेक बना रखा है। लेकिन अगर खुद औरतों के दिल से नेकी का तकाजा हो तो सुभान अल्लाह, नूर अला नूर, एक तो सोना खरा ऊपर से मिला सुहागा, क्या कहना है। मगर दिल से नेकी के तकाजे के पैदा होने की इल्म के सिवा और कोई तदबीर ही नहीं। बस जो लोग औरतों को इल्म से महरूम रखना चाहते हैं, गोया उनको सच्ची और हकीकी और पाकीज़ा और बेलौस और खरी और पायदार नेक दिली से रोकते हैं, फिर हम देखते हैं कि इल्म के लिए जो कुव्वतें दरकार हैं मर्द औरत दोनों में बराबर हैं। इससे मालूम होता है कि औरतों को खुदा ने जाहिल रहने के लिए नहीं बनाया, जिस हालत में औरतें अब हैं इसी के लिए उनको इतनी अकल की क्या ज़रूरत है। बस खुदा ने जो औरतों को इतनी सारी अकल दी है ज़रूर किसी बड़े काम के लिए दी है, यानी इल्म हासिल करने के लिए। लेकिन अगर औरतें अकल से इल्म हासिल करने का काम ना लें तो उनकी मिसाल ऐसी होगी जैसे हिंदुओं के जोगी जो अपना हाथ सुखाकर मसलिहते इलाही को बातिल करते हैं। क्यों साहब, हाथ का खुश्क और बेकार कर देना बेहतर या इसको नेक काम में लाकर दुनिया का फ़ायदा और दीन का सवाब हासिल करना। मुसलमानों की तशफ़ी के लिए तो शायद इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियों में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरबरविरदा थीं। एक दिन दोनों बैठी हुई बातें कर रही थीं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ निकले और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ इशारा करके हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान फरमाया कि इनको भी लिखना सिखाओ। हर चंद पर्दा नशीनी की वजह से दुनिया के बहुत से काम औरतों को माफ़ हैं, लेकिन फिर भी ख्याल करो तो औरतें निरी निकम्मी नहीं हैं। खानादारी बदों औरत के एक दिन नहीं चल सकती, मर्द कितना ही होशियार क्यों ना हो मुमकिन नहीं कि औरत की मदद के बगैर बदों घर चला सके। यही वजह है कि औरत के मरने को खाना वीरानी से ताबीर किया जाता है। पर यूं कहो कि लोगों को अपने मामलात में गौर करने और सोचने की आदत नहीं। अगले लोग बुरी या भली जो राह निकाल गए हैं दाएँ बाएँ कुछ नहीं देखते, भेड़ों की तरह इस पर आँखें बंद किए चले जाते हैं। खानादारी मुंह से कहने को तो एक लफ्ज़ है, मगर इसके मानी और मतलब पर नज़र करो तो 15-20 के फ़र्क से खानादारी और दुनियादारी एक ही चीज़ है। खानादारी में जो काम करने पड़ते हैं उनकी फहरिस्त मुंज़बित नहीं हो सकती। शादी, गमी, तकरीबात, मेहमानदारी, लेन देन, नस्बतनामा, पीसना, पकाना, सीना परोना, खुदा जाने कितने बखेड़े हैं। जिसने घर किया हो उसी को कुछ खबर होगी।
लेकिन इसी खानदारी में औलाद की तरबियत भी है और किसी काम के लिए औरतों को इल्म की ज़रूरत शायद ना भी हो, मगर औलाद की तरबियत तो जैसी चाहिए बे इल्म के होनी मुमकिन नहीं। लड़कियां तो ब्याह तक और लड़के अक्सर 10 बरस की उम्र तक घरों में तरबियत पाते हैं और माओ के खूब उनमें असर कर जाती है। बस ऐ औरतों, औलाद की अगली ज़िंदगी तुम्हारे अख्तियार में है। चाहो तो शुरू से उनके दिलों में ऐसे ऊंचे इरादे और पाकीज़ा ख्याल भर दो कि बड़े होकर नामो नमूद पैदा करें और तमाम उम्र आसाइश में बसर करके तुम्हारे शुक्रगुजार रहें, और चाहो तो उनकी अफ़ताद को ऐसा बिगाड़ दो कि जूं जूं बड़े हों खराबी के लक्षण सीखते जाएं और अंजाम तक इस इब्तदा का तासुफ किया करें। लड़कों को बोलना आया और तालीम पाने का मादा हासिल हुआ। अगर माओं को लियाकत हो तो इसी वक्त से बच्चों को तालीम कर चलें। मकतब या मदरसे भेजने के इंतज़ार में लड़कों के कई बरस ज़ाया हो जाते हैं। बहुत छोटी उम्र में ना तो ख़ुद लड़कों को मदरसे जाने का शौक़ होता है और ना माओं की मोहब्बत इस बात को गवारा करती है कि नन्हे नन्हे बच्चे जो अभी अपनी ज़रूरतों के जब्त पर कादिर नहीं हैं उस्ताद की कैद में रखे जाएं। लेकिन अगर माएँ चाहें उसी वक्त में उनको बहुत कुछ सिखा पढ़ा दें। लड़के मदरसे में बैठने के बाद भी मुद्दतों तक बेदिली से पढ़ा करते हैं और कहीं बहुत दिनों में उनकी इस्तेदाद को तरक्की होती है। इस तमाम वक्त में उनको माओ से यकीनन बहुत मदद मिल सकती है। अव्वल तो माओ की शफकत और दिलसोजी कहाँ, दूसरे रात दिन का बराबर पास रहना, जब ज़रा तबीयत मुतवज्जो देखी झट कोई हरूफ पहुँचवा दिया, कुछ गिनती ही याद करा दी, कहीं पूरब पश्चिम का इम्तियाज़ बता दिया। माएँ तो बातों बातों में वो सिखा सकती हैं, और माओं की तालीम में एक ये कितना बड़ा लुत्फ़ है कि लड़कों की तबीयत को वहशत नहीं होने पाती और शौक़ को तरक्की हो जाती है। औलाद की तहजीब, उनकी परवरिश की तदबीर, उनकी जान की हिफाजत माओं के अख्तियार में है। अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं सलीके में कमी है तो औलाद की ज़िंदगी मौरज ख़तर में है। ऐसा कौन कमबख्त होगा जिसको माओ की मोहब्बत में कलाम हो, लेकिन वही मोहब्बत अगर नादानी के साथ बढ़ती जाए तो मुमकिन है कि बजाय नफ़ा के उल्टा नुकसान पहुंचाए। ज़रा इंसाफ करो, क्या हज़ारों जाहिल और कम अक्ल माएँ ऐसी नहीं हैं जो औलाद के हर एक मर्ज़ को नज़र गुजार और परछावा और झपेटा और आसेब समझकर बजाय दवा के झाड़ फूंक उतार किया करती हैं। वरना मुनासिब इलाज का असर तुम ही समझ लो क्या होता होगा। अर्ज़ ये है कि कुल खानादारी की, बल्कि यूं कहो कि दुनियादारी की दुरुस्ती मौकूफ़ है अक्ल पर और अक्ल की इल्म पर। इस बात को हर कोई तस्लीम करेगा कि औरत में सबसे बड़ा हुनर ये होना चाहिए कि जिसके पल्ले बंदी है आप उससे राज़ी रहे और उसको अपने से राज़ी और खुश रखे। तुमने बहिश्त और दोजख का हाल सुना होगा। सचमुच की दोजख और बहिश्त तो दूसरे जहान की चीज़ें हैं। मरे पीछे उनकी हकीकत खुलेगी, लेकिन उनकी शक्लें घर घर दुनिया में भी मौजूद हैं और उनकी पहचान क्या है। मियाँ बीवी के आपस का प्यार और इखलास, जिस घर में मियाँ बीवी मोहब्बत और साजगारी से ज़िंदगी बसर करते हैं, बस समझ लो कि उनको दुनिया ही में बहिश्त है। और अगर आए दिन की लड़ाई है, झगड़ा है, ये उससे खफा वो उससे नाराज़, तो जानो दोनों जीते जी जहन्नुम में हैं। साजगारी के साथ सारी मुसीबतें अंगेज़ की जा सकती हैं, बल्कि उनकी ईज़ा तक महसूस नहीं होती, और साजगारी नहीं तो ज़िंदगी में कुछ मज़ेदारी नहीं। ये भी जाहिर है कि साजगारी के लिए औरतों को ज़्यादा एहतमाम करना होगा, इसलिए कि मर्दों के मुकाबले में औरतों का पल्ला बिल्कुल हल्का है। कुछ राह चलते की साहब सलामत नहीं कि तुम रूठे हम छूटे, बल्कि मरने भरने का ताल्लुक है। साजगारी पैदा करने के लिए जो तदबीरें औरत के अख्तियार की हैं, उन सब में बेहतर से बेहतर हमारे समझने में लियाकत है। लड़कियां शर्म के मारे मुंह से ना कहें, लेकिन दिल में तो ज़रूर जानती हैं कि आखिर ब्याही जाएंगी। ब्याहे पीछे बिल्कुल नई तरह की ज़िंदगी बसर करना पड़ती है, जैसा कि तुम माँ और नानी और खाला और कुनबे की तमाम औरतों को देखती हो। पहाड़ ज़िंदगी तो आगे आ रही है, जो तरह तरह के झगड़ों और अनवाओ अकसाम के बखेड़ों से भरी हुई है। अब तुम गौर करो कि तुम कोई अनोखी लड़की तो हो नहीं,
कि ब्याह हुए पीछे तुमको कुछ और भाग से लग जाएंगे, जो दुनिया जहान की बहू बेटियों को पेश आती है वो तुमको भी पेश आएगी। बस सोचना चाहिए कि ब्याह हुए पीछे औरतें किस तरह पर जिंदगी बसर करती हैं, कैसी उनकी इज्जत की जाती है, कहाँ तक मर्द उनकी खातिरदारी करते हैं। खास लोगों की हालत पर तो नज़र मत करो, बाज़ जगह इत्तफाक से ज़्यादा मिलाप हुआ औरत मर्द पर गालिब आ गई, और जहाँ ज़्यादा नामुवाफिकत हुई औरत का दफ्तर बिल्कुल उठ गया। ये तो बात ही अलग है, मुल्क के आम दस्तूर और आम रिवाज को देखो। सो आम दस्तूर के मुवाफिक हम तो औरतों की कुछ कदर देखते नहीं। नाकिसातुल अक्ल तो उनका खिताब है, औरतों के मकर की मुज़म्मत कुरान में मौजूद, यानी मर्द लोग औरतों की ज़ात को बेवफा जानते हैं। एक शायर ने औरतों की वजह तस्मिया में भी उनकी मुज़म्मत पैदा की है। ये सब बातें किताबों में लिखी हुई हैं। खानदारी के बर्ताव में देखो तो घर की टहल खिदमत के अलावा दुनिया का कोई उम्दा काम भी औरतों से लिया जाता है, या किसी उम्दा काम के सलाह या मशवरे में औरतें शरीक होती हैं। जिन घरों में औरतों की बड़ी इज्जत और बड़ी खातिरदारी है, वहाँ भी जब औरत से पूछा जाता है तो यही, क्यों भी आज क्या तरकारी पकेगी। इसके सिवा कोई औरत बता दे कि कभी मर्दों ने उससे बड़ी बड़ी बातों में सलाह ली है, या कोई बड़ा काम उसके इख्तियार में छोड़ दिया है। बस है औरतों, क्या तुमको ऐसे बुरे हालों में जीना नाखुश नहीं आता, अपनी बेएतबारी और बेवकरी पर अफसोस नहीं होता? क्या तुम्हारा जी नहीं चाहता कि मर्दों की नज़रों में तुम्हारी इज्जत हो, तुम्हारी अकल पर उनको एतमाद और भरोसा हो? तुमने अपने हाथों अपना वक़ार खो रखा है, अपने कारण नज़रों से गिरी हो। तुमको काबिलियत हो तो मर्दों को कब तक ये ख्याल ना होगा, तुमको लियाकत हो तो मर्दों को कहाँ तक पास ना होगा। मुश्किल तो ये है कि तुम सिर्फ उसी रोटी दाल पका लेने और फटा पुराना सी लेने को लियाकत समझती हो। फिर जैसी लियाकत है वैसी कदर है। तुम्हारी इस बिलफेल की हालत और जहालत पर एक बदअकली और एक मकरो फरेब किया। अगर दुनिया भर के इल्ज़ामात तुम पर लगाए जाएं तो वाजिब, और सारे जहान की बुराइयां तुम में निकाली जाएं तो बजा। ऐ औरतों, तुम मर्दों के दिल का बहलाओ और उनकी ज़िंदगी का सरमाया ऐश, उनकी आँखों की बहार व बाग, उनकी खुशी को ज़्यादा और उनके गम गलत करने वालियाँ हो। अगर तुमको मर्दों से बड़े कामों के इंतज़ाम का सलीका हो तो मर्द तुम्हारे पाँव धो धो कर पिया करें और तुमको अपना सरताज बना कर रखें। तुमसे बेहतर उनका गम गुसार, तुमसे बेहतर उनका सलाहकार, तुमसे बेहतर उनका खैर ख्वाह और कौन होगा। लेकिन बड़े कामों का सलीका तुमको हासिल हो तो क्यों कर हो। घर की चार दीवारी में तो तुम कैद हो, किसी से मिलने की तुम नहीं, किसी से बात करने की तुम नहीं। अकल हो या सलीका, आदमी से आदमी सीखता है। मर्द लोग पढ़ लेकर अक्ल व सलीका हासिल करते हैं, और जो लिखे पढ़े नहीं वो भी हज़ारों तरह के लोगों से मिलते, 10 से 10 किस्म की बातें सुनते। इस पर्दे से तुमको निजात की उम्मीद नहीं। बहुत कुछ हमारे मुल्की दस्तूर और रिवाज ने और किसी कदर मज़हब ने पर्दा नशीनी को औरतों पर फ़र्ज व वाजिब कर दिया है, और अब इस रिवाज की पाबंदी नहायत ज़रूरी है। बस सिवाय पढ़ने लिखने के और क्या तदबीर है कि तुम्हारी अक्लों को तरक्की हो, बल्कि मर्दों की निस्बत औरतों को पढ़ने लिखने की ज़्यादा ज़रूरत है। मर्द तो बाहर के चलने फिरने वाले ठहरे, लोगों से मिलजुल कर भी तजर्बा हासिल कर लेंगे, तुम घर में बैठी बैठी क्या करोगी। सीने की बख्ची से अकल की पुड़िया निकाल लोगी, या अनाज की कोठरी से तजर्बे की झोली भर लाओगी। पढ़ना लिखना सीखो के पर्दे में बैठे बैठे तमाम दुनिया की सैर कर लिया करो। इल्म हासिल करो के घर में ज़माने भर की बातें तुमको मालूम हुआ करें। फिर समझने की बात है कि दुनिया उन्हीं चंद घरों से इबारत नहीं है जिसमें तुम रहती हो या आती जाती हो, और ना दिल्ली या उन्हीं थोड़े से शहरों से इबारत है जिनके नाम तुमने सुने हैं। खैर, तमाम दुनिया के हालात बयान करने का तो ये महल नहीं। तुमको शौक हो तो पढ़ लेकर जुग्राफिया और तारीख की किताबों की सैर करना, तो जानोगी कि दुनिया कितनी बड़ी है, कैसे कैसे रद्दोबदल इसमें होते आए हैं। बहरकैफ, इस वक्त का ये रंग है कि सारे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ काबिज़ हैं,
इन लोगों में मर्द औरत अमीर गरीब नौकरी पेशा सौदागर अहले हुरफा कारीगर जमींदार काश्तकार सब के सब लिखे पड़े होते हैं और इसी से खुदा ने उनको ये तरक्की दी है कि कहाँ उनकी विलायत और कहाँ हिंदुस्तान। 6-7 हज़ार मील का फासला और बीच में समंदर, मगर इल्म के ज़ोर से इस मुल्क में आए, इल्म ही के ज़ोर से सल्तनत की और इल्म ही के ज़ोर से इसको इस खूबी और उम्दगी के साथ चला रहे हैं कि रुए ज़मीन की किसी सल्तनत में ऐसा अमनो इंसाफ और ऐसा इंतज़ाम नहीं। कहते हैं और सच कहते हैं कि दानिशमंद और मुसन्निफ और खुदा तर्स बादशाह को अपनी रईयत अपनी औलाद से बढ़कर प्यारी होती है। बस अंग्रेज़ जिस दिन से इस मुल्क में आए उसी दिन से इस बात के पीछे पड़े हैं कि हिंदुस्तान के लोग लिखें पढ़ें लियाकत हासिल करें कि उनका अफलास दूर हो। जुल्म ज़बरदस्ती करना तो अंग्रेज़ों का दस्तूर नहीं, मगर जहां तक समझाने से लालच दिखाने से हो सकता है इल्म को तरक्की दे रहे हैं। गांव-गांव मदरसे बिठा दिए हैं, पढ़ने वालों को वजीफे और इनाम दिए जाते हैं, जो लोग इम्तहान पास करते हैं उनको नौकरी मिलती है। सो खुदा के फजल से इतना तो हुआ है कि लिखने पढ़ने का बहुत रिवाज हो गया है और होता जाता है। यही एक ढंग है तो कोई दिन को धोबी मजदूर तक लिखने पढ़ने लगेंगे। भला फिर अनपढ़ और जाहिल अशराफ लोगों की मर्द हो या औरत क्या इज्जत रह जाएगी। अंग्रेजी अमलदारी में हजारों किस्म की नई चीजें चल पड़ी हैं। इनमें से एक अजीब और बड़े काम की रेल है जिसकी वजह से महीनों के रास्ते घंटों में तय किए जाते हैं, और वो भी किस सहूलत और आसाइश के साथ कि सफ़र का सफ़र और तफरीह की तफरीह। और यही सबब है कि लोग जैसे परदेश के काम से घबराते थे अब सफ़र के लिए बहाना ढूंढते हैं। ये हमारी याद की बात है कि जब कोई हज का इरादा करता तो समझ कर घर से निकलता कि बस मुझको लौट कर आना नहीं। या अब रेल और दखानी जहाज़ों के तुफैल में ये हाल हो गया है कि ज़िकात में घर से निकले मुहर्रम के आखिर होते होते मक्का मदीने दोनों की ज़ियारत करके असल खैर से आ मौजूद हुए। और लोगों में तो खैर, मगर नौकरी पेशा तो शाज़ो नादिर कोई घर के घर में मौजूद हो, वरना जिसको सुनो परदेस। लेकिन परदेस से आपस के ताल्लुकात तो नहीं छूटते। एक बार बड़े दिन की तातील में जाने का इत्तफाक़ हुआ। ज़रा गोरखपुर और दिल्ली के फासले को देखो, और बावजूद ये कि गोरखपुर से दिल्ली तक बराबर रेल ना थी, 8 दिन की छुट्टी में आने जाने को और पूरे 5 दिन दिल्ली में ठहरने को देखो। भले को अंग्रेज़ी अमलदारी हो गई थी कि हमने ये भी आराम देख लिए। खैर तो अर्ज़ ये कि मैं छुट्टी में दिल्ली आया हुआ था, एक बीबी अपने मियाँ के नाम ख़त लिखवाने आई, बताती गई, मैं लिखता गया। बहुत सी बातें उनके मुंह तक आई थीं मगर लिहाज के मारे कह नहीं सकती थीं। आखिर मुझसे रहा ना गया और मैंने उनको समझाया कि खुदा ने तुम्हारी रोज़ी तो उतारी परदेस में, और परदेस भी महीने 2 महीने का नहीं सारी उम्र का, इससे तुम आप लिखना क्यों नहीं सीख लेती। तो वो बड़ी हसरत के साथ कहने लगीं, भला कहीं अब मेरी उम्र लिखना सीखने की है। बाल बच्चों के बखेड़े में 15-15 दिन गुजर जाते हैं कि सर धोने की नौबत नहीं आती। बचपन में कुरान पढ़ा था, खैर शुक्र है उस्तानी जी की बरकत से भूला तो नहीं, मगर मुश्किल से घड़ियों में जाकर कहीं 1 महीना भी छोड़ दूं तो सारा कुरान स्पाट हो जाए। ये सुनकर मैंने कहा, जब तुमको कुरान याद है तो लिखना सीख लेना कुछ बड़ी बात नहीं, हर रोज़ 1 घंटे भी तवज्जो करो तो कार्रवाई के कदर 2-3 महीने में आ सकता है। आखिर उर्दू तो तुम पढ़ लेती होगी। वो बोली, हाँ कुछ यूं ही सी इटक इटक कर और अक्सर लफ्ज़ रह जाते हैं, मगर छपा हुआ खासी तरह निकाल लेती हूँ। मैंने कहा, बस तो तुमको उस्ताद की ज़रूरत भी नहीं, नकल करते करते लिखना आ जाएगा। उन बीबी ने दिल में मेरी बात को तस्लीम तो किया मगर कहने लगी, शर्म सी आती है। तब तो मैंने उनको खूब आड़े हाथों लिया कि दूसरों के पास हाजित ले जाते हुए, दूसरों की खुशामद करते हुए, दूसरों पर चबा चबा कर अपने हालात जाहिर करते हुए तुमको शर्म नहीं आती और लिखना सीखते हुए शर्म आती है। क्या लिखना कुछ ऐब है या गुनाह है? मैंने सुना कि उसके बाद से उन बीबी ने अपना ख़त किसी से नहीं लिखवाया, और फिर तो उनको लिखने का ऐसा शौक़ हुआ कि जिन बीबियों के मर्द परदेस में थे ख़त लिखने को अब उनके सर होती थी। लिखने को लोगों ने नाहक बदनाम कर रखा है कि मुश्किल है मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं। लेकिन फ़र्ज़ करो कि पढ़ने की निस्बत लिखना किसी कदर मुश्किल है भी, तो वैसी ही उसके मुसन्निफीन भी हैं। जो शख्स पढ़ना जानता और लिखना नहीं जानता उसकी मिसाल उस गूंगे की सी है जो दूसरे की सुनता और अपनी नहीं कह सकता।
अगर कोई शख्स शुरू शुरू में किसी किताब से ज़्यादा नहीं एक सतर दो सतर रोज़ नकल कर लिया करे और इसी कदर अपने दिल से बनाकर लिखा करे और इस्लाह लिया करे और नकल करने और लिखने में झीपने और झिझके नहीं, तो ज़रूर चंद महीनों में लिखना सीख जाएगा। खुशखती से मतलब नहीं, लिखना एक हुनर है जो ज़रूरत के वक्त बहुत काम आता है। अगर गलत हो या हर्फ बदसूरत और ना दुरुस्त लिखे जाएँ तो बेदिल होकर मश्क को मौकूफ़ मत करो। कोई काम हो इब्तदा में अच्छा नहीं हुआ करता। अगर किसी बड़े आलिम को एक टोपी कुतरने और सीने को दो, जिसको कभी ऐसा इत्तफाक ना हुआ हो, वो ज़रूर टोपी ख़राब करेगा। चलना फिरना जो तुमको अब ऐसा आसान है कि तुम बेतकल्लुफ़ दौड़ी दौड़ी फिरती हो, तुमको शायद याद ना रहा हो कि तुमने किस मुश्किल से सीखा, मगर तुम्हारे माँ बाप और बुज़ुर्गों को बखूबी याद है कि पहले तुमको सहारे बैठना नहीं आता था। जब तुमको गोद से उतार कर नीचे बिठाते, एक आदमी पकड़े रहता था या तकिए का सहारा लगा देते थे। फिर तुमने गिर पड़कर घुटनों चलना सीखा, फिर खड़ा होना, लेकिन चारपाई पकड़कर। फिर जब तुम्हारे पांव ज़्यादा मजबूत हो गए, रफ्ता रफ्ता चलना आ गया, मगर सदहा मर्तबा तुम्हारे चोट लगी और तुमको गिरते सुना। अब वही तुम हो कि खुदा के फजल से माशाल्लाह दौड़ी दौड़ी फिरती हो। इसी तरह एक दिन लिखना भी आ जाएगा। और फ़र्ज करो तुमको लड़कों की तरह अच्छा लिखना ना भी आया, ताहम बाकद्र ज़रूरत तो ज़रूर आ जाएगा। और ये मुश्किल तो ना रहेगी कि धोबन की धुलाई और पीसने वाले की पिसाई के वास्ते दीवार पर लकीरें खींचती फिरो, या कंकर पत्थर जोड़ कर रखो। घर का हिसाबो किताब लेना देना ज़ुबानी याद रखना बहुत मुश्किल है। और बाज़ मर्दों की आदत होती है कि जो रुपया पैसा घर दिया करते हैं उसका हिसाब पूछा करते हैं। अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो मर्द को शुबा होता है कि ये रुपया कहाँ खर्च हुआ, और आपस में नाहक बदगुमानी पैदा होती है। अगर औरतें इतना लिखना भी सीख लिया करें कि अपने समझने के वास्ते काफ़ी हो, तो कैसी अच्छी बात है। लिखने पढ़ने के अलावा सीना परोना, खाना पकाना, ये दोनों हुनर हर एक लड़की को सीखने ज़रूर हैं। किसी आदमी को हाल मालूम नहीं है कि आइंदा उसको क्या इत्तफाक पेश आएगा। बड़े अमीर और बड़े दौलतमंद यकायक गरीब और मोहताज हो जाते हैं। अगर कोई हुनर हाथ में पड़ा होता है, ज़रूरत के वक्त काम आता है। ये एक मशहूर बात है कि अगले वक्तों के बादशाह बावजूद दौलत सरवत के ज़रूर कोई हुनर सीख रखा करते थे, ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। याद रखो, दुनिया में कोई हालत काबिल एतबार नहीं। अगर तुमको इस वक्त आराम व फरागत मैसर है, खुदा का शुक्र करो कि उसकी मेहरबानी से हमारे घर में बरकत और फरागत है। लेकिन इसके ये मानी नहीं कि तुम इस आराम की कदर ना करो, या आइंदा के वास्ते अपना इत्मीनान कर लो कि यही आराम हमको हमेशा के वास्ते हासिल रहेगा। आराम के दिनों में आदतों का दुरुस्त रखना ज़रूरी है। अगरचे खुदा ने तुमको नौकर चाकर भी दिए हों, लेकिन तुमको अपनी आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। शायद खुदा न ख्वास्ता मकदूर बाकी ना रहे तो ये आदत बहुत तकलीफ़ देगी। आप उठकर पानी ना पीना, या छोटे छोटे कामों में नौकरों या छोटे भाई बहनों को तकलीफ़ देना नामुनासिब और आदत के बिगाड़ने की निशानी है। तुमको अपना काम सब आप करना चाहिए, बल्कि अगर तुम चुस्तो चलाक रहो तो घर के बहुत से काम तुम उठा सकती हो। और अगर तुम थोड़ी सी मेहनत भी इख्तियार करो तो अपनी माँ को बहुत कुछ मदद और सहारा लगा सकती हो। खूब गौर करके अपना कोई काम ऐसा मत छोड़ो जिसको माँ अपने हाथों करे या दूसरों को इस वास्ते बुलाती और तकलीफ़ देती फिरे। रात को जब सोने लगो, अपना बिछोना अपने हाथ से बिछा लिया करो, और सुबह सवेरे उठकर आप तय करके एहतियात से मुनासिब जगह रख दिया करो। अपने कपड़ों की गठरी अपने अहतमाम में रखो। जब कपड़े बदलने मंजूर हों, अपने हाथ से फटा उधड़ा दुरुस्त कर लिया करो। मैले कपड़ों की एहतियात करो। जब तक धोबन कपड़े लेने आए, उनको अलहदा खूंटी पर लटका रखो। अगर कपड़े बदल कर मैले कपड़े उठा कर ना रखोगी, शायद चूहे काट डालें, या पड़े पड़े ज़्यादा मैले हों और धोबन उनको खूब साफ ना कर सके, या शायद ज़मीन की नमी और पसीने की तरी से उनमें दीमक लग जाए। फिर धोबन को अपने मैले कपड़े आप देख कर दिया करो, और जब धो कर लाए खुद देख लिया करो। शायद कोई कपड़ा कम ना लाई हो, या कहीं से फाड़ ना दिया हो, या कहीं पर दाग बाकी ना रह गए हों। इस तरह जब तुम अपने कपड़ों की खबर रखोगी, तुम्हारे कपड़े खूब साफ़ धुला करेंगे और कोई कपड़ा गुम ना होगा।
जो जेवर तुम पहने रहती हो बड़े दामों की चीज़ है। शाम को सोने से पहले और सुबह को जब सोकर उठो ख्याल कर लिया करो कि सब हैं या नहीं। अक्सर बेखबर लड़कियां खेल कूद में जेवर गिरा देती हैं और कई कई दिन के बाद उनको मालूम होता है कि बाली गिर गई, छल्ला निकल पड़ा, जबकि घर में कई बार झाड़ू दी जा चुकी। क्या मालूम ज़रा सी चीज़ किसकी नज़र पड़ गई, उठा ली या कहीं मिट्टी में दब दबा गई। तब वो गाफिल लड़कियां जेवर के वास्ते अफसोस करके रोती और तमाम घर को जस्तजू में हैरान कर मारती हैं। और जब माँ बाप को मालूम होता है कि ये लड़की जेवर को एहतियात से नहीं रखती और खो देती है तो वो भी दरेख करने लगते हैं। तुमको हमेशा ये ख्याल करना चाहिए कि घर के कामों में कौन सा काम तुम्हारे करने का है। बेशक छोटे भाई बहन अगर रोते और ज़िद करते हैं, तुम उनको संभाल सकती हो ताकि माँ को तकलीफ़ ना दें। मुँह धुलाना, उनके खाने और पानी की खबर रखना, कपड़ा पहनाना, ये सब काम अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। लेकिन अगर तुम अपने भाई बहनों से लड़ो और ज़िद करो तो तुम खुद अपना वक़ार खोती और माँ को तकलीफ़ देती हो। वो घर के काम देखे या तुम्हारे मुकदमे का फ़ैसला क्या करे। घर में जो खाना पकता है उसको इस गर्ज से नहीं देखना चाहिए कि कब पक चुकेगा और कब मिलेगा। घर में जो कुत्ता और बिल्ली या दूसरे जानवर पले हैं वो अगर पेट भरने की उम्मीद से खाने के मुंतजिर रहें तो मज़ायका नहीं। लेकिन तुमको गौर करना चाहिए कि सालन किस तरह भुना जाता है, नमक किस अंदाज से डालते हैं। अगर हर एक खाने को गौर से देखा करो तो यकीन है कि चंद रोज़ में तुम पकाना सीख जाओगी और तुमको वो हुनर आ जाएगा जो दुनिया के तमाम हुनरों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। मामूली खानों के अलावा तकल्लुफ़ के चंद खानों की ज़रूरत हुआ करती है। कबाब, पुलाव, मीठे चावल, ज़रदा, मुतंजन, चटनी, मुरब्बा, फिरनी, सब मज़ेदार खाने हैं। हर एक की तरकीब याद रखनी चाहिए। बास खाने तकल्लुफ़ के तो नहीं होते लेकिन उनका मज़ेदार पकाना तारीफ़ की बात है। जैसे मछली, करेले, सीना तो चंदा दुश्वार नहीं, कता करना अलबत्ता अकल की बात है। दिल लगाकर इसको मालूम कर लेना बहुत ज़रूरी है। औरतों के सब कपड़ों को कता करना खासकर ज़रूर समझ लेना चाहिए। हमने अक्सर बेवकूफ़ औरतों को देखा कि अपने कपड़े दूसरी औरतों के पास कता कराने के लिए लिए फिरा करती हैं और उनको थोड़ी सी बात के लिए बहुत सी खुशामद करनी पड़ती है। मर्दाने कपड़ों में अंगरखा किसी कदर मुश्किल है। तुम अपने भाइयों के अंगरखे कता क्या करो, दो चार अंगरखे कता करने से समझ में आ जाएगा। अगला बाब सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। शुक्रिया।